Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, I am sure कि exam का notification आने के बाद और exam date declare होने के बाद आप सब लोगों की preparation बहुत high हो गए होंगे और उसी के साथ जो तेज हुआ होगा वो है आपकी practice का momentum. So guys, हमारी द अल्फा बैंकर की टीम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है. हमारा टेलीग्राम का चैनल हमेशा ऑन है आपकी हेल्प करने के लिए. सो आपको किसी भी सेक्शन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, वेदर इट इज इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीके, डिस्क्रिप्टिव या आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या उसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है और आपको प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो बस इंटरव्यू टिप्स चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा टेलीग्राम चैनल हमेशा तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए. सो गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. डू कनेक्ट विद अस देयर बिकॉज वी आर ऑन अ बूम और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. सो गाइज, हमारा आज का क्वांट का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. अब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब आप लोगों को ऑब्वियसली ऑलरेडी पता होगा, बट इसके क्वेश्चंस किस किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं. तो देखिए, फर्स्ट है क्वांटिटी टाइप क्वेश्चंस, जैसे क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो पांच पांच क्वेश्चन के सेट में जिसमें हमें पूछा जाता है कि क्वांटिटी वन बड़ा है कि टू बड़ा है. इसी के साथ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमें स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और कई बार स्टेटमेंट थ्री भी दिया होता है और ऊपर मेन सेंटेंस होता है और हमें चेक करना होता है कि कितने स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा. और नेक्स्ट होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसको कई लोग मिसलेनियस का नाम भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें नॉर्मल क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें नीचे ऑप्शंस होते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा बाप ऑफ क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही बड़ा रोल है, बिकॉज अब जहां तक देखेंगे तो हर एग्जामिनेशन का कम से कम एक डीआई का सेट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड करता है और उसी के साथ इनडायरेक्टली तो बहुत सारे सेट डिपेंड करते हैं. सो गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड बिकॉज आज की वीडियो में हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में अपना इंटरमीडिएट और हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. और उसी के साथ हम द अल्फा बैंकर पे एक डेटा इंटरप्रिटेशन पे डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बस प्रॉफिट एंड लॉस के सेट्स करेंगे. सो गाइज, स्टे ट्यून, बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले. सो गाइज, आइए चलते हैं आगे, लेट्स फॉल इन लव विद मैथ्स. सो गाइज, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, डे टू डे सप्लाई चेन की बात करें, तो देखिए, जो भी चीज हमारे घर पे पहुंचती है वो सबसे पहले खेतों से जाती है फैक्ट्री में. फैक्ट्री वाले उस चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको वो आगे बेचते हैं होलसेल हाउसेस या बड़े बड़े डीलर्स को, फिर वो डीलर्स आगे बेचते हैं रिटेल मार्केट में. रिटेल मार्केट हो गया फॉर एग्जांपल हमारी किराना शॉप्स, या हो गए हमारे सुपरमार्केट्स, और फाइनली इन सुपरमार्केट्स या किराना स्टोर से खरीदते हैं हम लोग. तो देखिए, इस चेन में होता क्या है, सबसे पहले जो किसान अपनी चीज फैक्ट्री को बेचता है, तो मान के चलिए किसान को वो चीज पड़ी 100 रुपए की, तो किसान क्या करता है, अपना 5% प्रॉफिट जोड़ता है और वो चीज आगे बेचता है फैक्ट्री को. फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वो चीजों को बनाते हैं, अपना सामान लगाते हैं, अपनी लेबर लगाते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन लगाते हैं और वो आगे बेचते हैं बड़े डीलर्स को या बड़े होलसेल सेलर्स को, और वो भी अपना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करते हैं. इसके बाद ये होलसेल सेलर्स आगे बेचते हैं रिटेलर्स को, तो ये अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करते हैं, और उसी के बाद फाइनली ये रिटेलर्स से कस्टमर खरीदता है, फाइनली वो रिटेलर्स कुछ अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करते हैं. तो इससे हमें क्या समझ आया, मतलब कोई भी बिजनेस में या किसी भी धंधे में भाई, इंसान आगे तभी बेचता है जब उसको मुनाफा हो रहा हो. तो ये जो मुनाफा हुआ, ये जो फायदा हुआ, इसको बोलते हैं इंग्लिश के टर्म में प्रॉफिट. वहीं अगर किसी रीजन से किसान को आगे फैक्ट्री वाले के घाटे में चीजें बेचनी पड़ी, वहीं फैक्ट्री वालों को आगे चीजें घाटे में बेचनी पड़ी, तो उस चीज को बोलते हैं लॉस. सो आई होप आपको बेसिक मुनाफा या नुकसान की डेफिनेशन समझ आ गई होगी. आपको समझ आएगा कि बेसिक डेफिनेशन में प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है. देखिए, प्रॉफिट कब होता है, जब एक इंसान चीज एक्स प्राइस पे खरीदे और उसको एक्स प्लस वाई पे बेचे, तभी तो मुनाफा हुआ ना. भाई, इसने 5 रुपए में चीज खरीदी और 10 रुपए में चीज को बेचा, तभी तो यहाँ मुनाफा हुआ ना. तो ये जो खरीदने वाली वैल्यू होती है, इसको मैथ के टर्म में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस. वहीं ये जो बेचने वाली वैल्यू होती है, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस. तो देखो, यहाँ देखने से हमें एक और चीज समझ आएगी कि जब भी प्रॉफिट होता है, तब तब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है. मतलब अगर हमने 5 रुपए में चीज खरीदी है, तो हम कुछ प्रॉफिट लगा के उसको 10 रुपए में बेचेंगे, तो हमेशा सेलिंग प्राइस ही ज्यादा होगी हमारे प्रॉफिट के केस में. वहीं दूसरा केस होता है हमारा लॉस. तो लॉस में क्या होता है कि अगर हमने एक्स प्राइस पे चीज खरीदी, तो हमें वो चीज एक्स माइनस वाई प्राइस पे बेचनी पड़ेगी. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है. मतलब अगर हमने 5 रुपए में वो चीज खरीदी है, तो और हमें 3 रुपए में वो चीज बेचनी पड़ी, तो हमें देखो यहाँ पे 2 रुपए का घाटा हुआ. तो ये -2 जो होता है, ये -2 होता है हमारा लॉस. अब देखिए आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, हमारे कुछ होते हैं बेसिक फॉर्मुलेस. भाई, तो ये 4 फॉर्मुले हैं इन द केस ऑफ प्रॉफिट. तो जब हमें मुनाफा होगा, तो ये 4 फॉर्मुले हमारे यूज होंगे. उसमें फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये हमने लास्ट स्लाइड में ही देख लिया
कि भाई जब हमने एक्स प्लस वाई पे चीज बेची थी और एक्स पे चीज खरीदी थी तो हमको कितना मुनाफा हुआ था भाई, तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा और हमें टोटल मुनाफा कितना आएगा वाई अमाउंट का। तो ये वाई जो अमाउंट है ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट। तो सेकंड फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्स और प्रॉफिट कितना है वाई, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सही बात है। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो भाई सेलिंग प्राइस है यहाँ पे एक्स प्लस वाई, प्रॉफिट है यहाँ पे y, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, आंसर आएगा x, और वही तो हमारी कॉस्ट प्राइस है। वही फोर्थ फॉर्मूला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ हमारा पूछा जा रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। और देखिए जब भी हमारा परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाता है या परसेंटेज लॉस पूछा जाता है तो हम हमेशा उसको कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वही हम अगर इन केस ऑफ लॉस की बात करें तो भाई लॉस में होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो भाई हमने देखा था कि भाई लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो मान के चलो कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस x माइनस वाई है, तो लॉस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा और माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा y। तो यहाँ हमें कितना लॉस हुआ टोटल, यहाँ हमें y अमाउंट का हुआ टोटल लॉस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इसमें होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। भाई देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। वही परसेंटेज लॉस हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में, ये होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए चलते हैं आगे और डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वन, रमा परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम मोनिका फॉर 50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 52,000 टू कनिका, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ रमा। तो भाई क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि भाई रमा ने एक कंप्यूटर खरीदा मोनिका से 50,000 का और उसी सेम कंप्यूटर को आगे कनिका को बेचा कितने में, 52,000 में। तो रमा का प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाई प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस और हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जितने में हमने चीज खरीदी। तो यहाँ पे रमा ने कितने में खरीदा भाई, कॉस्ट प्राइस रमा की हो गई 50,000 और इसको सेल कितने प्राइस पे करा कनिका को, 52,000 पे। तो रमा की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 52,000। और प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 52,000 माइनस 50,000, तो आंसर कितना आ गया भाई, मेरा प्रॉफिट आ गया टोटल 2,000 रुपए। तो मैं जल्दी से अपना आंसर ढूंढूंगा, यहाँ पे 2000 मेरा आंसर है यहाँ पे कैलकटा में, तो मैं आंसर मार्क करूंगा कैलकटा और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन टू, डॉबी परचेज शूज फ्रॉम गोगी फॉर 500 विच गोगी हर्सेल परचेज फॉर 400, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ गोगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसका फाइंड करना है। तो यहाँ हमें गोगी का फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गोगी। तो अब प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ पे हमें बोला है कि डॉबी परचेज शूज फ्रॉम गोगी फॉर 500 विच गोगी हर्सेल परचेज फॉर 400। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या हो गई गोगी की, गोगी ने कितने प्राइस में चीज खरीदी, वो खरीदी गोगी ने 400 में, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 400। वही सेलिंग प्राइस क्या हो गई, देखो भाई डॉबी ने गोगी से 500 रुपए में शूज खरीदे, तो इसका मतलब गोगी ने 500 रुपए में डॉबी को जूते बेचे ना, बेचने वाले अमाउंट क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारे यहाँ पे गोगी का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 500। तो भाई गोगी ने 400 में शूज खरीदे और 500 में शूज बेचे, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल गया कि उसने प्रॉफिट कमाया है, उसने मुनाफा कमाया है। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 500 माइनस 400 इक्वल्स टू 100। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई हमने पहले ही देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना, 400 इंटू 100। तो यहाँ जीरो से जीरो कट कर देंगे और ये 100 को काटेंगे 25 टाइम्स, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 25%। तो हम जल्दी से अपना आंसर ढूंढेंगे, हमारा आंसर है दिल्ली, हम मार्क करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थ्री, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर 220 एट अ लॉस ऑफ 12%। सो गाइस आप देखिए मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन का लेवल बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप हर टाइप के क्वेश्चन करने में कंफर्टेबल भी हो जाए। तो देखो दो क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट में करने के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया लॉस परसेंटेज के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक चीज जो 220 की बेची गई थी उसपे हमें टोटल लॉस कितना हुआ था, 12% का। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करके दो। तो देखो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
हमारा लॉस परसेंटेज कितना है 12%, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू भाई, तो यहाँ लॉस की जगह मैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिख सकता हूँ, तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। तो जहां मैंने ये वाला 100 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.12 कॉस्ट प्राइस, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1 - 0.12 ब्रैकेट, ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 0.88 कॉस्ट प्राइस। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है 0.88 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 220 इज इक्वल टू 0.88, मतलब अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 88/100, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 11 से कट करता हूँ तो ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा 20 टाइम्स, 4 से कट करता हूँ तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ 100 को कट करता हूँ तो ये जाएगा 50, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो गया 50 × 5, ये कितना होता है 250, तो मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना है, मेरा फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, वो आ गया मेरा 250। तो मैं जल्दी से आंसर मार्क करूंगा सी और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, यूमिथ बॉट 1200 eggs फॉर 36 अ डजन, भाई डजन में कितनी क्वांटिटी आती है, वो आती है 12, डजन को हिंदी में बोला जाता है दर्जन, एट वॉट प्राइस पर 100 ही मस्ट सेल द एग्स टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब देखो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। सो आई होप गाइज अभी तक आप सबने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप सबका राइट आंसर भी आ गया होगा। सो गाइज ये क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, तो देखो कोई भी नया बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ते ही डर जाएगा, तो सबसे पहले उसको दिखेगा 1200 eggs 36 डजन पर 100 फाइंड करना है, 25% प्रॉफिट गेन हो जाए, तो ये सब चीजें देख के वो इंसान डर जाएगा। पर देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी, तो देखो अब हमें सबसे पहले 1200 को तो यहाँ पे कंसीडर करना ही नहीं है, तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन 36 और डजन से ही हो जाएगा। तो देखो हमें क्या दिया कि एक डजन एग आते हैं 36 रुपए के, मतलब 12 अंडे आते हैं 36 रुपए के, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो एक अंडा कितने का आएगा 36/12, मतलब 3 रुपए का एक अंडा आता है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें 100 अंडों की ऐसी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले 100 अंडों की कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, भाई एक अंडा हमारा जाता है 3 रुपए का, तो 100 eggs कितने के जाएंगे, वो जाएंगे 3 × 100, मतलब 300 rupees के। अब भाई मुझे इस कॉस्ट प्राइस पे 25% का फायदा चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली 300 का 25% फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ 0 से 0 कट करेंगे तो 3 × 25 कितना होता है 75, तो मेरे टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई 75 rupees। और सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया 300 + 75, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 375, 375 rupees। तो मैं जल्दी से अपना आंसर मार्क करूंगा कैलकाटा और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, अ डीलर बाइज 200 क्विंटल ऑफ शुगर एट 1200 अ क्विंटल एंड स्पेंड्स 10,000 एट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड स्टोरेज चार्जेस, नाउ ही वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट एट 13 पर केजी, फाइंड विल ही गेन अ प्रॉफिट और लॉस, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, तो एक क्विंटल में होते हैं 100 kg। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डीलर बाइज 200 क्विंटल ऑफ शुगर एट 1200 रुपए क्विंटल, तो भाई टोटल कितना खर्चा हुआ उसका, भाई 200 क्विंटल उसने खरीदा, पर क्विंटल कितने पे खरीदा 1200 रुपए पे, तो इसको टोटल कितना पैसा देना पड़ गया उसको 200 × 1200 कितना हो गया, भाई 2 × 12 कितना 24 और पीछे लगा दो 40, तो उसको देने पड़ेगा यहाँ पे 240,000 rupees। पर इसी के साथ उसको 10,000 rupees और खर्च करने पड़े अभी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज चार्जेस में, मतलब लाना ले जाना और रखने में उसके 10,000 rupees और लगे, तो भाई उसकी कुल मिला के लागत तो यहाँ पे 10,000 rupees और बढ़ गई ना, तो मतलब उसको 10,000 rupees अभी और भरने पड़ गए, तो उसकी टोटल लागत कितनी हो गई, वो हो गई 250,000, मतलब उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, वो हो गई 250,000 rupees। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो 13 rupees पर किलो पे ये सारी की सारी चीनी बेच देगा तो उसको फायदा होगा कि नुकसान, तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, तो पर किलो कितने रुपए में बेचना चाहता है वो 13 रुपए में, और टोटल चीनी कितनी है वो है 200 क्विंटल, और देखो ये 13 है ये पर केजी है, तो हमें यहाँ पे क्विंटल को पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, वो होते हैं 100 किलो, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई 2 × 13 कितना था 26 और पीछे में लगा दूंगा 40, तो ये कितना हो गया 260,000। तो यहाँ हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गई, तो जब भी हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो होता है हमें प्रॉफिट, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो भाई हम डायरेक्टली करेंगे अपनी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 260,000 माइनस 250,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, वो हो गया 10,000 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट कितने का है 10,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस 2.5 लाख
इंटू 100, तो यहां मैं जीरो से सारे जीरो कट करूंगा, 100 को 25 से काटूंगा 4 टाइम्स, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 4%। तो अब मैं ऑप्शंस में अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो देखिए मेरा ए बी सी डी में से कोई भी आंसर नहीं है। तो देखिए जब भी ऐसा होता है तो आपको हमेशा अपने पास कॉन्फिडेंस रखना है और आपको डायरेक्टली आंसर मार्क करना है नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव, और आपको मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, मानव बाइस 300 ऑरेंजेस फ्रॉम अ फ्रूट सेलर एट 5 ऑरेंजेस फॉर 8 रुपीज एंड सेल्स इट टू गौतम फॉर 2 ऑरेंजेस फॉर 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना है वो। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा हाई लेवल पे हम गए हैं, तो आप अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करिए, और पॉज के उस तरफ हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। सो आई होप गाइज अभी तक आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि मानव ने 300 ऑरेंजेस खरीदे 5 ऑरेंज 8 रुपए के, तो भाई उसने 5 ऑरेंज खरीदे 8 रुपए के, तो एक ऑरेंज कितने का खरीदा, वो उसने खरीदा 8/5, और 8/5 की वैल्यू कितनी होती है, 8/5 की वैल्यू डेसिमल में कितनी आएगी, वो आएगी 1.6, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, वो आ गई 1.6। भाई खरीदने वाली प्राइस को ही तो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वहीं उसकी सेलिंग प्राइस मैं कैसे फाइंड करूंगा, भाई उसने कितने के बेचे, भाई उसने गौतम को बेचे 2 ऑरेंज 5 रुपए के, भाई उसने 2 ऑरेंज बेचे कितने के, 5 रुपए के, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 ऑरेंज कितने का बेचा, 5/2 का, और 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2.5, तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, वो आ गया 2.5। अब देखो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस, भाई यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, और जब भी हमारी बेचने की कीमत हमारे खरीदने की कीमत से ज्यादा होती है तब हमें हमेशा होता है मुनाफा, तो हमें यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट, और हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हम करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 2.5 - 1.6, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.9, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 0.9। और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो प्रॉफिट कितना है मेरा 0.9 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है मेरा 1.6 इनटू 100, तो यहां मैं डेसिमल से डेसिमल कट कर दूंगा, इसको 4 से काटूंगा, ये जाएगा 25, ये जाएगा 4, तो ये आ गया 9 × 25/4। अब देखो 9 × 25 होता है 225, तो अब मैं क्या 225 को 220+5 लिख सकता हूँ, भाई 220 डायरेक्टली 4 से कटेगा, ये जाएगा 55 टाइम्स, 5/4 कितना होता है 1.25, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 55 + 1.25, मतलब 56.25, तो मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 56.25%। तो देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन जरूर था, पर हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ बने रहे तो ये देखिए क्वेश्चन हमें सॉल्व करना कितना ईजी हो गया। क्वेश्चन 7, बाय सेलिंग अ टीवी फॉर 27,264 सृजन सफर्स अ लॉस ऑफ 4%, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट कॉस्ट प्राइस ही शुड सेल द टीवी टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 9%। तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सृजन ने इतने अमाउंट पे ये एक टीवी बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ, तो उसको नेक्स्ट टीवी कितने प्राइस पे बेचना चाहिए कि उसको 9% का मुनाफा हो। तो भाई हम अपना लॉस कैसे लिखते हैं, हम लॉस लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब मैं क्या लॉस की जगह कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिख सकता हूं, तो भाई मेरा लॉस परसेंटेज है 4, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। अब मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा 0.04c, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया c माइनस 0.04c, ये आ गया 0.96c, और मेरे सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 27264। यहां मैं डेसिमल हटाऊंगा, नीचे दो जीरोस लिखूंगा, इसको अगर मैं 12 से कट करूंगा तो ये जाएगा 8 टाइम्स, और ये जाएगा 2272 टाइम्स, और मैं 8 से डायरेक्टली कट करूंगा इसको तो ये जाएगा 284 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया 284, यहाँ मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 28400। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया और मुझे मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, तो मेरी सेलिंग प्राइस मैं कैसे निकालता हूँ, तो यहाँ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 + प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 × कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना मुझे बोला है 9%, और कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी 28400, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 109/100 × 28400। यहां मैं जीरो से जीरो कट कर दूंगा। अब देखिए 109 को मुझे 284 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए जब भी ऐसे बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो आप सबसे पहले अपने ऑप्शन के सारे यूनिट डिजिट्स देख लो, अगर सारे के सारे यूनिट डिजिट्स अलग हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना यूनिट डिजिट मेथड लगाता हूं, तो 9 × 4 कितना होता है, 9 × 4 होता है 36, मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए इस आंसर की, 6। तो यहां देखो किस आंसर की यूनिट डिजिट 6 है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कलकत्ता 30,956। तो मैं देखिए जब भी ऐसा होता है तो मैं जल्दी से ये वाला आंसर मार्क करूंगा यूनिट डिजिट से जो भी मेरा आंसर आया, और मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन 8, अ मैन बाइज अ शर्ट एंड अ ट्राउजर फॉर 371 इफ द ट्राउजर कॉस्ट 12% मोर देन द शर्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। तो भाई क्वेश्चन में मुझे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल्स टू 371। अब मुझे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इज 12% मोर देन दैट ऑफ द शर्ट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर क्या हो गई, वो हो गई 1.12 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। तो देखो गाइस ये चीज मैं कैसे लेके आया, कैसे मैंने 12% के इंक्रीज को 1.12 लिख लिया, इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है अपनी परसेंटेजेस के वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट आता है तो आप अपनी वीडियो को यही पॉज करें और सबसे पहले वो वीडियोस देख लें, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का 90% से ज्यादा पार्ट अकेले परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ट्राउजर को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट प्लस 1.12 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल्स टू 371। तो यहाँ मैं अपना डेसिमल हटाऊंगा, यहाँ लिखूंगा 100, यहाँ मैं कट करूंगा ये जाएगा 50 टाइम्स, यहाँ फिर कट करूंगा 25, ये जाएगा 53 और 371 डायरेक्टली 50 से ज्यादा 7 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी आ गई, वो आ गई 7 × 25 दैट इज 175। तो मैं जल्दी से अपना आंसर ढूंढूंगा, आंसर है मेरा बॉम्बे, मैं आंसर मार्क करूंगा, मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, बाय सेलिंग 15 मैंगोज अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे अपना लेवल क्वेश्चन का थोड़ा सा इंक्रीज करा है, आप सब अपनी वीडियो को यहीं पे करो पॉज, ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। सो गाइस आई होप अभी तक आप सब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। तो भाई क्वेश्चन में बोल रहा है बाय सेलिंग 15 मैंगोज अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के ये सारा खेल है इंग्लिश का, तो यहाँ पे जब वो लोग आपको मैथ से नहीं डरा पाते तो वो आपको इंग्लिश से डराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में इंग्लिश से ना डरें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी है। तो देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि 15 मैंगो की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस, देखो सही लिखा है ना। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 15 मैंगो बेचने के बाद वो फ्रूट बेचने वाले को 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस मिल जाती है, तो मतलब 15 मैंगो की सेलिंग प्राइस 20 मैंगो की कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गई। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मैं डायरेक्टली ये इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी 15p की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 20cp माइनस 15cp मतलब 5cp। तो मतलब मेरे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 5cp अपॉन 15 मतलब cp/3। पर मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मेरे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी, cp/3, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100/3। और परसेंटेजेस की वीडियो में जहां हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस कन्वर्जन सीखा था उसके बाद हमें पता है कि 100/3 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 33.33। तो मैं डायरेक्टली आंसर मार्क करूंगा दिल्ली और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, इफ अमित बॉट अ कैमल फ्रॉम सचिन फॉर 12,000 एंड सोल्ड इट टू सोमेश फॉर 50% प्रॉफिट, देन सोमेश अगेन सोल्ड द कैमल गेनिंग 12,000, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सोमेश। तो भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित क्या है, वो जितने में अमित ने ये कैमल खरीदा मतलब 12,000 रुपए। अब अमित ने क्या करा, वो 12,000 का कैमल खरीद के सोमेश को बेचा 50% प्रॉफिट पे, तो भाई सेलिंग प्राइस ऑफ अमित क्या हो गई। तो भाई अब सेलिंग प्राइस ऑफ अमित और कॉस्ट प्राइस ऑफ सोमेश बराबर हो गई। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है पॉइंट कि जितने पे अमित ने बेचा उतने पे ही तो सोमेश ने खरीदा, मतलब अमित की सेलिंग प्राइस और सोमेश की कॉस्ट प्राइस सेम हो गई। तो जब मुझे कॉस्ट प्राइस दी होती है तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करता हूँ, 1 + profit upon 100 × cost price, तो प्रॉफिट कितना है 50% का, तो 50/100 कितना हो गया 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, मल्टीप्लाई करना है मुझे कॉस्ट प्राइस से जो कितना है 12,000, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3 × 6,000 मतलब 18,000। अब यही है मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ सोमेश। तो अब सोमेश ने आगे क्या करा भाई, सोमेश ने कैमल खरीदा और 12,000 का और प्रॉफिट लगाया और आगे फिर बेच दिया, तो भाई सेलिंग प्राइस ऑफ सोमेश कितना हो गया, वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 30,000। तो फाइनली क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमें फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सोमेश। तो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित क्या है, वो है 12,000, सेलिंग प्राइस ऑफ सोमेश क्या है, वो है 30,000। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे डायरेक्टली इनका परसेंटेज फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो सोमेश की प्राइस क्या थी 30,000, अमित की प्राइस क्या थी 12,000 अपॉन 12,000 इनटू 100, 30 माइनस 12 कितना होता है 18,000 अपॉन 12,000।
तो यहाँ जीरो से जीरो कट करेंगे, सिक्स से काटेंगे ये जाएगा टू टाइम्स, ये जाएगा थ्री टाइम्स, या टू से काटेंगे हंड्रेड को ये जाएगा फिफ्टी। थ्री इंटू फिफ्टी कितना होता है 150। मतलब अमित की कॉस्ट प्राइस में और फाइनली सोमेश की सेलिंग प्राइस में कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ गया, 150% का डिफरेंस। तो मैं डायरेक्टली अपना आंसर ढूंढ लूंगा, मेरा आंसर है आगरा, मैं मार्क करूंगा, मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आगे है हमारे कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके इंडिपेंडेंट और पर्सनल प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और इनका आंसर मुझे नीचे कमेंट में पोस्ट करके बताइए। इन सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आई विल सिंसियरली एडवाइज यू गाइज कि आप अभी जाइए और उस लिंक पे क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यह है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए जो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव है वो हमारी अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक भी हैं और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी कवर करते हैं। तो वो क्वेश्चन मेरे आज के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लेने का एक ही मकसद है कि आप ये क्वेश्चंस देखें और खुद से सॉल्व करें, जिससे आप इन क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। Hey guys, I'm sure आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सब लोगों ने आज बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। So guys, इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना ना भूलें, बिकॉज आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में हेल्प करेगी। सो सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिए। उन सारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। इसी के साथ अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो वो सारे का सारा डिटेल सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। सो अगर आप अभी तक हमसे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो आप बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हैं, बिकॉज हम वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ अपलोड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं, और उसी के साथ हमारी सारी की सारी जीके की पीडीएफ भी उसी चैनल पे अपलोड होती हैं। सो डू जॉइन द चैनल, और आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी हमारी एक्सपीरियंस टीम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। सो गाइस टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।